गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू कोर्निकस गार्डन। फ्रेंड्स, आज आपके सामने जिस प्लांट को लेकर आई हूँ, आप लोग देख ही रहे हैं कितना सुंदर इसके फ्लावर है। और इसके फ्लावर का रंग तो देखिए, ये तो ग्रास है और उसमें ये फ्लावर देखिए, फ्लावर का रंग कोरल कलर के हैं। और इसे जो है फायर क्रैकर या कोरल फाउंटेन भी कहते हैं। फाउंटेन इसलिए कहते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरे हैंगिंग पॉट में लगा हुआ है, तो मैं वीडियो करने के लिए इसे नीचे उतारी हूँ। ये देखिए, ये फाउंटेन की तरह जो है ये ग्रास जो है नीचे की ओर है, और इसमें जो है इतने सारे सुंदर फ्लावर लगे हैं। और इसके फ्लावर को अगर नज़दीक से मैं दिखाऊं, ये जो है ट्यूब के टाइप के हैं। और ये फ्लावर जो है ना फ्रेंड्स, हमिंग बर्ड को अट्रैक्ट करता है ये फ्लावर। तो अगर आपको आपके गार्डन में हमिंग बर्ड पसंद है तो ज़रूर ये लगाइए, और ना भी पसंद है तो कोई बात नहीं, ये आप ज़रूर लगाइए। इसे रुसालिया प्लांट भी कहते हैं। ये प्लांट जो है ये बहुत गर्मी में बहुत ही अच्छा होता है, और डायरेक्ट सनलाइट बहुत ही आवश्यक है इस प्लांट के, इस फ्लावर के लिए। आप जहाँ भी इसे रखें, ऐसी जगह रखें जहाँ क्या हो कि उसमें डायरेक्ट सनलाइट आए। और मैं मिट्टी की बात कर दूं आपको, मिट्टी जो है जब आप लगाएं तो इस मिट्टी में जो है ऐसे नॉर्मल गार्डन सॉइल और मैन्योर के लिए काउडंग, वर्मी कंपोस्ट और कुछ नहीं चाहिए। कोकोपीट वगैरह मत दीजिए इसमें। और उसके बाद जब ये फ्लावर आ जाए और 2-3 महीने बाद आप इसमें जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए। मैं तो बार बार ही कहती हूँ, मैं तो सीवी फर्टिलाइज़र देती हूँ, और ज़्यादा कुछ इसे करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप खुद ही देख रहे हैं, ये अपने आप में कितना सुंदर है, अनोखा है, बहुत ही सुंदर है ये, और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। इसके कलर कम्बिनेशन देखिए, ग्रीन एंड कोरल कलर। मैं पास से दिखाऊं इसे, देखिए ट्यूब की तरह है ये फ्लावर इसके, और कई इसमें जो है कलियां हैं, धीरे धीरे ये खिल जाएंगी। और अगर इसके प्रोपोगेट की बात करूं मैं, इसके प्रोपोगेशन के लिए आप ये जो है, ये जो मेन स्टीम है, इस स्टीम के साइड से, असल में बात यह है कि इतने सारे अभी फ्लावर है तो मैं इसका प्रोपोगेशन आपको दिखा तो नहीं पाऊंगी, बाद में मैं आपको ये दिखा दूंगी कि ये जो मेन स्टीम है इसके साइड से, ये जो पतले वाले हैं इसमें सब में मेरे जो है कलियां हैं, इसमें फूल खिलेंगे, तो मैं ये कट तो अभी कर नहीं सकती हूँ। इसे जो है बाद में, यानी ये पूरे साल भर ऐसे ही आपको फ्लावर देंगे, केवल जाड़े के मौसम में 2 महीने जो है इसमें ठंड के समय इसमें जो है फ्लावर नहीं आते हैं, आते भी हैं तो बहुत कम। इसे गर्मी बहुत पसंद है, और साथ ही साथ डायरेक्ट सनलाइट इसे बहुत ही पसंद है। आप देखिए फ्रेंड, ये ज़रूर आप लोग जो प्लांट लवर हैं, ये ज़रूर अपने गार्डन में लगाइए। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो फ्रेंड ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।
थैंक यू।